डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अकेले नहीं मिल जाएगा, नहीं अमेरिका में। अरे अब तो घर का जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था। आमिर खान ने किन 7 फिल्मों को किया था रिजेक्ट जिन्होंने शाहरुख और सलमान को बना दिया था सुपरस्टार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, आमिर खान को बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन कई फिल्में ऐसी भी थी जो उन्हें ऑफर की गई थी, उन्होंने ठुकराई, शाहरुख सलमान ने की, और इन फिल्मों ने इन दोनों के करियर की दिशा ही बदल दी। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो 7 फिल्में जो आमिर को ऑफर की थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इस लिस्ट में पहला नाम है डर का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शाहरुख खान साइको ऑब्सेसिव लवर के कैरेक्टर में नहीं होते बल्कि आमिर खान होते तो कैसा लगता। खैर, ये इमेजिनेशन करना ही मुश्किल है कि शाहरुख खान के अलावा कोई इस कैरेक्टर को निभाता। रिपोर्ट्स की माने तो इस रोल के लिए अजय देवगन मेकर्स की पहली चॉइस थे, लेकिन वो राजी नहीं हुए। इसके बाद आमिर खान को इसे ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी विलन बनने से इनकार कर दिया और आखिरकार शाहरुख पे फिल्म चली गई और सुपर डुपर हिट हुई। इसके अलावा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है, जिसने रोमांस की परिभाषा ही बदल से पैच। वैसे दोस्तों, शाहरुख खान से पहले इस फिल्म को आमिर खान को ऑफर किया गया था, लेकिन आमिर ने रिजेक्ट किया। शाहरुख की झोली में ये फिल्म गई और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 70 करोड़ की कमाई करके सुपर डुपर हिट हो गई। मोहब्बतें DDLJ के बाद आदित्य चोपड़ा ने एक बार फिर से आमिर खान को एक रोमांटिक फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन ये लपक ली शाहरुख खान ने और आमिर खान ने इसे रिजेक्ट किया। आपको बता दें, इस फिल्म में ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में थे। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। वहीं दोस्तों, यश चोपड़ा की एक और बड़ी हिट है दिल तो पागल है। आमिर खान को फिर से इसे ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में शाहरुख खान ने फिल्म में लीड रोल किया। फिल्म ऑडियंस को खूब पसंद आई। उसी साल आमिर, अजय देवगन, काजोल और जूही की इश्क भी रिलीज हुई थी। वहीं दोस्तों, सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को भला कौन भूल सकता है, जिसने साल 2015 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो कबीर खान ने इस फिल्म के लिए पहले आमिर खान से बात की, लेकिन आमिर इस फिल्म में बदलाव चाहते थे, जिसके लिए कबीर खान एग्री नहीं हुए और बाद में सलमान ने ये रोल प्ले किया और बाकी तो आपको हिस्ट्री पता ही है। वहीं दोस्तों, 1991 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी साजन, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी। इसका ऑफर भी सलमान को नहीं बल्कि आमिर खान को गया। उन्होंने ठुकराया, सलमान ने किया और सुपर डुपर हिट रही। वहीं दोस्तों, कोई भी हम आपके हैं कौन में सलमान के अलावा किसी और को इमेजिन कर ही नहीं सकता। सलमान और माधुरी दीक्षित की कल्ट क्लासिक फिल्म ने 1994 में लगभग 70 करोड़ का कलेक्शन किया। डायरेक्टर थे सूरज भरचातिया और इस फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर को पसंद नहीं आई, लेकिन सलमान ने जब इसे निभाया तो हर कोई प्रेम का दीवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो 7 फिल्में। अगर इनमें आमिर होते तो आप कैसे इन फिल्मों को एक्सेप्ट करते, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।